फंक्शंस एंड फार्मूला के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में डेटेड इफ फंक्शन का क्या काम है। हम लोग डेट फंक्शन तो जानते ही हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग डेटेड इफ फंक्शन का के बारे में पढ़ेंगे। ये डेटेड इफ फंक्शन एक्सेल के अंदर का फार्मूला का कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है, हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग अपने समय में वर्ड एक्सेल के साथ साथ लोटस पढ़ा करते थे। उस समय में सारा काम जिस समय में माउस को छोड़ के कीबोर्ड से हुआ करता था, उस समय में फार्मूला का काम करता है। लेकिन आज भी इस एक्सेल के सेशन में या एक्सेल में ये फार्मूला काम करता है। तो हम आपको बताएंगे कि एज डेट कैसे काम करेंगे, एज कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर मालूम है तो हम लोग एज कैलकुलेशन करते करें कितना महीना कितना साल, हम लोग इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग डेटेड इफ फंक्शन का यूज करके देखते हैं। हम एक डाटा आपको बनाए हैं, इसमें किसी का नाम लिखे हैं, बर्थ डेट हम लिखे हैं और करेंट डेट आज का डेट है। इसी में हम आपको यहाँ पे एज निकाल के बताएंगे कि हमारा ईयर क्या हुआ, मंथ क्या होगा और डेज क्या हो जाएगा। इसी सेंस में डेटेड इफ में हम यहाँ पे एक सिंटैक्स भी बनाए हैं, इसमें लिखे हैं डेटेड इफ। आप जब फार्मूला लगाएंगे तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखे हैं स्टार्ट डेट एंड डेट और यूनिट। तो स्टार्ट डेट करने का मतलब जब से निकालना हो, और एंड डेट मतलब जब का या करेंट डेट का ही, और यूनिट का मतलब ये हम लिखे हैं यूनिट के बारे में कि अगर वाइज दबाइएगा तो डिफरेंस बिटवीन ईयर बताएगा, एम दबाएंगे डबल कोट्स में तो डिफरेंट बिटवीन मंथ बताएगा, डी अगर करेंगे तो डिफरेंट बिटवीन डेज करेगा, एम डी करेंगे तो डिफरेंट इन डेज इग्नोरिंग मंथ एंड डेज, वो इसको इग्नोर करके चलेगा। वाई एम अगर करेंगे तो डिफरेंस इन मंथ बताएगा, इग्नोरिंग डेज एंड ईयर्स करेगा, वाई डी करेंगे तो डिफरेंस इन डेज, ये और ये सेम चीज है। अब इसी चीज को हम लोग करेंगे कैसे, इसको हम एक फार्मूला के माध्यम से बताएंगे। सपोज कीजिए कि कोई नाम किसी का लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं, बर्थ डेट उसका 5/4/1975 है और करेंट डेट 12 अप्रैल 2024 को पता करना है कि वो आदमी कितना साल कितना महीना और कितना दिन का हो गया। तो इसी फार्मूला का डेटेड इफ फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि ये आदमी 49 वर्ष ये 0 दिन बुझिए और 6 मंथ का 7 मंथ का हो गया इस तरह से। अब इसको निकालेंगे कैसे, यही चीज़ हम आपको यहाँ से बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ निकालने के लिए अब हमको चूंकि ईयर निकालना है तो हम इक्वल टू का साइन देंगे और लिखेंगे डेट। तो डेट फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हमको बनाना है तो इसमें आर्गुमेंट पास नहीं होगा, इसको हमको अपना मन से बनाना होगा। डेटेड ईडी कर दीजिए इसमें और डेटेड में लिख देंगे इफ, डेटेड इफ फॉर्मूला आपका हो गया, अब ब्रैकेट दीजिए। अब डेट फार्मूला में आपका हम यहाँ पे लिखे हैं स्टार्ट डेट इन डेट, तो स्टार्ट डेट मतलब क्या, हमारा ये डेट हो गया, आप कॉमा लगाइए, और इन डेट का मतलब ये डेट हो गया, कॉमा लगाइए, और फिर हमारा यूनिट है, सपोज कीजिए कि ईयर निकालना है तो डबल कोट्स में हम लोग वाई लिख के आप इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। जो ही लिख के इंटर मारेंगे ये देखिए हमारा 49 आ गया, मतलब 49 ईयर्स आपको दे दिया। अब हमको मंथ ईयर निकालना है, हम लिखे भी हैं, फिर वही बात आप लिखिए इज इक्वल टू डेट में ईडी लगाइए डेटेड और इफ करिए, फिर उसी तरह से आप इसमें हमारा बर्थ डेट लीजिए कॉमा, हमारा करेंट डेट लीजिए कॉमा, और हम डबल कोट्स में फिर एम लिख देते हैं तो डिफरेंट बिटवीन मंथ बताएगा। अब जो ही लिख के इंटर मारेंगे ये देखिए 588 दे दिया। अब मंथ निकालना है तो हम लोग डी का यूज करेंगे, सब चीज़ वैसे ही लिखिए, फिर डेट ईडी इफ लगाइए ब्रैकेट दीजिए, आप बर्थ डेट दीजिए कॉमा लगाइए, करेंट डेट दीजिए कॉमा लगाइए, और डबल कोट्स में आप डी दीजिए और ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मारिए। ये देखिए ऐसा दिया, लेकिन इससे तो हमको समझ में नहीं आता है कि कितना मंथ का हुआ कितना ईयर का हुआ, टूटा नहीं। इसी चीज़ को हम यहाँ दूसरे रूप से आपको बताते हैं।
सेम चीज थोड़ा सा इसको हम लोग इस नीचे वाले ऑप्शन का यूनिट का यूज करके आपको बताते हैं, उसमें वो निकाल के बताएगा। इक्वल टू फिर लिखिए डी ए टी ई डी, डेटे डिप करिए, ब्रैकेट दीजिए, आप फिर बर्थ डेट दीजिए, आप फिर लास्ट में करेंट डेट दीजिए, कॉमा दीजिए, और फिर हम वाई ही देंगे। यहाँ पे आपका वाई निकाला, आपका ईयर निकाल दिया 49, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 588 जो दिखाया था मंथ ईयर जो दिन बता रहा है, मंथ बता रहा है पूरा, तो इससे समझ में नहीं आता है, तो 12 महीने के बाद का हमको वो निकाल के देगा। फिर इज इक्वल टू दीजिए आप डेट, डेटेड इफ लगाइए, अब फिर ब्रैकेट दीजिए, अब वही बर्थ डेट दीजिए, कॉमा आप करेंट डेट दीजिए, अब यहाँ पर हम लिख देंगे डबल कोट्स में वाई और एम। जो ही वाई एम लिख के इंटर करेंगे तो वाई एम क्या करता है, सो देखिए डिफरेंट इंट मंथ इग्नोरिंग डेज एंड मंथ को वो इग्नोर करके देगा। ये देखिए 0 महीना दिया, स्वाभाविक है कि 5-4 से लेके 12 तक, मतलब 12 अप्रैल तक महीना आपका 0 ही होगा। अब यहीं पे है मंथ बताएगा या डेज के रूप में कि कै दिन हो गया, तो 5 दिन का अंतर है, 5-4 से लेके 12 में 7 दिन का अंतर है, वो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन करेगा कैसे, इसके लिए फिर हम लोग डेट इफ लगाइए, आप ब्रैकेट दीजिए, अब करेंट डेट कॉमा, ये सॉरी बर्थ डेट, और यहाँ दीजिए इन डेट कॉमा, अब हम लोग इसमें डबल कोट्स में लिख देंगे MD। जो ही आप इसमें MD लिख के इसको आप बंद कीजिएगा तो ये आपको 7 के रूप में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी डेट एज का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि हमको ये करेंट डेट मालूम है लिख दिए, तो हम लोग इसमें चाहते हैं कि दूसरे तरह से करना, ये तो एज इट इज ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम करेंट डेट नहीं चाहते हैं, मालूम नहीं, तो टुडे फंक्शन का हम यूज करना चाहते हैं। तो टुडे फंक्शन क्या करता है कि सिस्टम डेट दिखाता है। तो आप दूसरा तरीका भी है, आप इसको इक्वल टू दीजिए, यहाँ पे आप फिर से इक्वल टू दीजिए, आप यहाँ उसको यूज करके देखिए, डेट इफ लगाइए और ब्रैकेट दीजिए, और बर्थ डेट तो हमारा ठीक है, कॉमा लगाइए और यहाँ लिखेंगे हम लोग टुडे। टुडे फंक्शन जो है लिखता है रिटर्न्स द करेंट डेट फॉर्मेट एज ए डेट, तो टुडे फंक्शन लिख के आप ब्रैकेट दीजिए और कॉमा दीजिए, तो हमको यहाँ से करेंट डेट के बदले में ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। और फिर डबल कोट्स में आप वाई और एम लिख के आप यहाँ से फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, तो आपको देखिए ये 0 दिखाया। उसी तरह से आप यहाँ पे भी वही टुडे फंक्शन लगा के और वाई डी दे दिए तो हमारा डेट दिखा दिया। तो इस टाइप से हम लोग एज कैलकुलेशन करके जान सकते हैं। अब हम आपको इसको लिख के बताते हैं, करके जोड़ के बताते हैं। ये जब लिखे हैं और इसी चीज़ को 49 चाहिए, इक्वल टू दीजिए, हम सपोज कीजिए कि इस डेट को ले लेते हैं, आप इंटर मारिए। अब यहाँ के लिए इस वैल्यू को ले लीजिए, आप इंटर मारिए, और इसमें यहाँ के लिए इक्वल टू दीजिए या सपोज कीजिए कि हम इसका ले लेते हैं और इंटर मारिए, तो हमारा वैल्यू चला आता है। हम अब कंकर्डिनेट के माध्यम से जोड़ के हम शो करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम इसको चाहते हैं कि ये नाम के साथ लिखे कि आपका इतना इयर्स, इतना एज, इतना दिन का आप हो गए। अब इसके लिए क्या होता है, हम लोग एक्सेल में पढ़े हैं कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि दो टेक्स्ट को जोड़ता है। लिखिए इज इक्वल टू CONCATE, ये देखिए कॉन्कैटिनेट यहाँ आ गया। अब टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू पूछता है, तो सबसे पहले आप इस नेम वाले का दीजिए। अब इसमें आप एम्परसेंट साइन लगाइएगा, टेक्स्ट को जोड़ता है सोनू योर एज इज, तो स्पेस दे के हम लोग लिखते हैं योर एज इज। अब ये लिखेगा, अब फिर इसमें दीजिए एम्परसेंट साइन, अब योर एज इज 49, तो 49 वाले का एड्रेस दीजिए। फिर आप इसमें एम्परसेंट लगाइए और यहाँ पे ईयर लिख देगा 49 ईयर, फिर स्पेस दीजिए एम्परसेंट साइन लगाइए, अब यहाँ पे आ जाएगा ये जो मंथ हो वो ले लीजिए, फिर आप एम्परसेंट साइन लगाइए,
फिर मंथ पे कीजिए कि मतलब इतना मंथ शो करेगा, फिर आप एम्परसेंट साइन लगाइए और आप कितना डेज, तो इस पे क्लिक कीजिए, फिर आप एम्परसेंट साइन लगाइए और यहाँ पे डेज वाले पे क्लिक कर दीजिए। आपको लिखेगा सोनू कुमार योर एज इज इतना महीना इतना दिन और इतना साल, जैसे आप शो कराना चाहे। आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आप जो ही इंटर मारेंगे, ये देखिए लिख दिया योर नेम, योर एज इज 49 इयर्स 0 मंथ एंड 7 डेज। अगर आपको ऐसा मन है कि हम शो कराएं, तो कॉन्कॉर्डिनेट माध्यम से आप इसको शो करा के जान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज करके एज कैलकुलेट करना जाने। आप कह सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एज इन एम एस एक्सेल फ्रॉम ए डेट ऑफ बर्थ, या हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, आप ये जान सकते हैं। अब हम कर लिए, सपोज कीजिए कि हम यहाँ से चाहे तो नाम बदल दें। यहाँ पे अगर हम राम लिख दें तो राम के जगह पे यहाँ पे देखिए अब नीचे में हमको राम आ जाएगा, राम योर एज लिख दिया। हम डेट ऑफ बर्थ ये हम चाहते हैं कि बदल दें, तो करेंट डेट हम 12 के बदले में सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम ये 20 कर देते हैं, और 4 के बदले में हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि 6 कर देते हैं। ये देखिए जो ही लिख के इंटर मारे तो देखिए हमारा सारा दिया। अगर आप बर्थ डेट चेंज भी करते हैं, करेंट डेट भी चेंज करते हैं, तो आपका आंसर उसके हिसाब से बदल जाता है। हम जो ही आपका चेंज किए तो 48 महीना, ये देखिए 48 ईयर्स 9 महीना 22 दिन आपको ये दिखा निकाल के दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चेंज, यहाँ भी सपोज कीजिए कि हम करेंट डेट नहीं चाह करके कोई डेट भी देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये हम वो सारा चेंज कर दे, जो अगर इसमें से आप जो डेट दीजिएगा उसके हिसाब से हमारा ये सारा निकाल के दिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू कॉपी करके फार्मूला कॉपी करके रखे हैं, जो ही हम चेंज करेंगे सारे पर हमारा खुद चेंज होगा। तो इस सेंस में हम लोग फार्मूला एंड फंक्शंस के रूल के रिलेशन में डेटेड इफ के बारे में हम आपके पास बताते चले कि अगर आपको एक्सेल में अच्छा करना है तो फार्मूला और फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इतना अगर आप फार्मूला जान जाते हैं तो आसानी से कट से स्टार्ट डेट और इन डेट डाल के आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं कि कब कितना क्या था। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग डेटेड इफ फंक्शन का यूज किए, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट डेट होता है, फिर इन डेट होता है, और यूनिट हम यूज करते हैं। और इसके अंदर में यूनिट कैसे यूज करेंगे हम आपको लिखे हैं, लिख लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ आप निकाल के देखिए, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। और जब भी कोई वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए, तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बीच बीच में हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हमने यहाँ पे बताया, तो आपको बताया कि सिस्टम डेट कैसे यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप जानते हैं यहीं पे टूडे अगर लिख के हम लोग इंटर करें, ब्रैकेट खोले और बंद करें, ये देखिए हमारा सिस्टम डेट 12/4 आज का दिखाया। तो इसी सिस्टम डेट का भी यूज करके हम आपको यहाँ बताएं, हम करेंट डेट लिख के भी बताएं, तो ये सब बीच बीच में बताते रहते हैं। तो आपको इसको देखने के लिए पूरा देखिए, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला हम सिंटैक्स लिखे हैं, इसको आप लिख के और सारा प्रैक्टिस करके देखिए कि एक्सेल के अंदर में एज डेट कैसे कैलकुलेशन करिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग एज कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चलेंगे, कितने महीने कितने साल का हम हुए। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।